विंटर्स के मौसम में अगर हम मेथी और मटर की बनी हुई सब्जी ना खाएं तो हमने कुछ नहीं खाया। तो चलिए आज यही बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना मेथी मटर दही। सबसे पहले मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी। जीरा थोड़ा सा होने के बाद मैं यहाँ पे एक तेजपात डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी जो मैंने घर में ही रेडी किया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसको भी 20 सेकेंड के लिए हम थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। उसके बाद में 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा हैवी खाना खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, जैसे मेथी मटर मलाई सर्दियों में सबको पसंद होती है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम और मलाई होती है जो बहुत हैवी हो जाती है, तो आप ये रेसिपी उसके लिए जगह ट्राई कर सकते हैं। अब हम अनियंस को थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। 1 से 1.5 मिनट हमारे अनियंस अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालूँगी, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ धनिया। ये हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे अगर अनियन में थोड़ी बहुत स्मेल रह गई है तो वो निकल जाए। अब मैं यहाँ पे मैंने 4 लौंग को पीस लिया था, कूट लिया था, वो डालेंगे। लाल मिर्च स्वाद अनुसार, आप तीखा खाना पसंद करते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा डालें, अदरवाइज थोड़ी कम डालें। सॉल्ट भी मैं यहीं पर डाल दूंगी। गरम मसाला 1/2 चम्मच। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अनियन के साथ। यहाँ पर थोड़ी सी टमाटो प्यूरी डालूंगी। बीस सेकेंड के लिए मैं मसाले को इसके साथ भून लूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 कप फिटी हुई दही। दही को डालते ही हम एकदम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ इस टाइप से। जल्दी जल्दी हमने मसाले के साथ दही को मिक्स कर दिया है और दही के मिक्स होते ही मैं यहाँ पर मटर डालूंगी जिससे मटर मेरे मसाले के साथ ही पक जाए। और अब हम इस मसाले को 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट पकने के बाद ये देखिए कितना अच्छे से हमारा मसाला पक गया है, दही ने तेल भी छोड़ दिया है, लेकिन अभी मटर हमारी और गलेगी तो इसलिए मैं 1 मिनट इस मसाले को और पकाऊंगी, लेकिन अब की बार मेथी के साथ। अब हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी साफ की हुई धुली हुई कटी हुई मेथी। फ्रेश मेथी ही यूज करें यहाँ पे और इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे मसाले में। अब यहाँ पे हमें थोड़े से पानी की जरूरत होगी, वैसे तो मेथी भी अपना बहुत पानी छोड़ती है इसलिए हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे और अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम कवर करके ढकने के लिए रख देंगे। बिना क्रीम और बिना मलाई के बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है इस सब्जी का, एक बार इसे ट्राई जरूर करें। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दूंगी इसमें और इसको मिक्स कर दूंगी और इसको और पकने के लिए रख दूंगी। तो अब हम चेक करते हैं 2 से 2.5 मिनट के बाद। ये देखिए मटर भी अच्छे से गल गई है, सब्जी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी भुनी हुई ऊपर से डालेंगे इसमें और मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी हेल्दी टेस्टी मेथी मटर दही की सब्जी रेडी है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और सर्व करते हैं। ऐसी ही टेस्टी यूनिक रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईटिंग शीटिंग बाय मीनाक्षी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ईटिंग शीटिंग बाय मीनाक्षी।